क्या जज्बात थे कि आपकी मां को मारा, उसके बावजूद आपने कहा कि ये आपका खून है, आपका बच्चा है, आके मिले, ये क्या जज्बात है? देखें आसिफ भाई, उस नन्ही सी जान को लेकर मैं कुछ सोचूं या गुस्सा करूं, मेरी माँ उसे वापस नहीं आएगी। जिन इन जानवरों ने जहां पर मेरी माँ को भेज दिया ना, वहां से मेरी माँ वापस नहीं आएगी। और इंसानियत के नाते भी मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं उस बच्चे के साथ जो उसके प्यारे हैं, जिनका उसको प्यार मिलना चाहिए, मैं उस बच्चे को उनसे दूर कर दूं। तो मैं नहीं ऐसा कर सकता। क्या लम्हात थे जब उस बच्चे के ताया आए, दादा आए, उन्होंने गोदी में उठाया, आपने उनको फोन किया? पहले तो फोन पे उन्होंने क्या कहा आपको? उनको कॉल की थी आपने? मैंने उनको कॉल की थी, उन्होंने कॉल अटेंड कर ली? कॉल अटेंड की। क्या कहा आपने? उन्होंने कुछ नहीं, बड़े आजिज़ाना तरीके से उन्होंने जवाब दिया था उनके वालिद ने। आपने क्या कहा उनको? मैंने उनसे बोला कि आपके आना पोते अपने आप को देख लें आप, ना कि गार उस्मान के हाँ बेटा पैदा हुआ, अल्लाह ताला ने दिया, तो आप शाम को आएं और आकर अपने बच्चे से मिलें, मैं चाहता हूँ कि आप लोग उनसे मिलें। आ गए थे वो? वो आ गए थे, बाप बेटा दोनों आए। अच्छा थे फिर ठीक है, तो आके वो मिले हैं बाप उसका। उनके क्या जज्बात थे? सर बात है कि बाप उसका गोद में लेकर, वो भी हार्ट पेशेंट है, उनको स्टड डले हुए हैं, दादा जो है, दादा जो है, और जो उनके बड़े बेटे हैं उस्मान के बड़े भाई, उन्होंने मुझे बोला था कि यार नुमान भाई कोशिश किया करो, जो बात हो ना मुझसे किया करो, कि मेरे वाला साहब हार्ट पेशेंट है, तो वो किसी दुख दर्द तकलीफ को बर्दाश्त करने की ना कंडीशन में नहीं है। तो मैंने कहा यार मैंने उनके साथ कोई दुख दर्द थोड़ी करना, मैंने तो एक किस्म की उनको खुशी दी है। खुशी दी है। और जबकि इसी ही घर ने मेरी वालदा का कत्ल किया है, मेरा घर उजाड़ दिया है, मैंने उसके बावजूद आपका पोता आपकी गोद में रखा है। इसकी क्या वजह है? सर एक तरफ तो आपको शदीद गुस्सा है, शदीद दुख है, और आप दिन रात रोते हैं कि मेरी माँ को मुझसे जुदा कर लिया और मेरी माँ के साथ इतना जुल्म किया, इतना मारा, जिस तरह के आपके सारे जज्बात। उसके बावजूद दूसरी जानब आपका इतना नरम गोशा है कि आपने कहा जी आप अपना बच्चा देखने के लिए आ जाए, ये क्या मामलात हैं? सर बच्चों के साथ किसी किस्म का इंसान को ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, और खासकर वो बच्चा जो 2 दिन का हो। क्या दिल में आया जब आपने उनको कॉल की, बुलाना चाहा कि अपने बच्चे को मिल रो? बड़ा पॉजिटिव साइन है, बड़ा बहुत बड़े जरफ की बात है, दिल में क्या बात थी आपके? दिल में कुछ नहीं था, वो यहाँ पर बैठकर अपने, जब मैंने उनके गोद में रखा वो रो रहे थे और उनको देखकर मैं भी रो रहा था। मैंने आपको बताया तो कि उन्होंने बच्चे से प्यार किया? हाँ जी प्यार किया, उन्होंने चूमा बच्चे को, प्यार किया, सर पर हाथ रखा। क्या उन्होंने कहा कि हम बच्चे का क्या करेंगे, कोई बात हुई मतलब? नहीं, इस तरह की बात कोई नहीं हुई। तो मैंने ही उनके भाई से बोला था कि यार हम ना ये बच्चा आपको देना चाहते हैं। ठीक है ठीक है आसिफ भाई, मैंने अपनी सिस्टर को यहाँ तक बोला कि बच्चे अगर तू बच्चा नहीं देना चाहती ना, तो बच्चा मैं रख लेता हूँ, ठीक है, मैं उसको सारी जिंदगी अपने सीने से लगाऊंगा, पालूंगा। अब मेरे अपने मुझे ये भी कहते हैं कि कल को तेरा करेंगे, जो तेरी बीवी होगी वो कभी भी इस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तू अपनी बहन के बच्चे की बात कर रहा है, तू ये सोच के वो जो तेरी बेटी है अगर वो फ्यूचर में तेरे पास होती है तो वो उसको एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती। तो ये भी बड़े मामलात होते हैं। तो कुछ हमारा माशरा ऐसा भी है कि अगर, वैसे आपके दिल की ख्वाहिश ये है कि दोनों बच्चे आपके पास रहें और मैं आप तो उनको चाहता पालें? हूँ, मैं ये नहीं समझता कि अगर वो मेरे पास होंगे तो मेरा अखराजात भर जाएंगे, अगर वो आए हैं तो अपना नसीब खुद लेकर आए हैं। उन पे गुस्सा नहीं आएगा? अगर फर्ज किया ऐसा हो जाए कि दोनों बच्चे आपको मिल जाएं और आप उसको उनको पालना शुरू कर दें, नहीं एक के बाप ने मारा, एक ही माँ ने मारा, आसिफ भाई तो बच्चों को देख के आपको वो बात का रंज नहीं आएगा? मैं आपको बताता हूँ, एक बच्चा बड़ा है ना, जो एक निचोर बच्चा है, जिस तरह के एक 10-12 साल का या 15 साल का लड़का है, तो उसकी तकरीबन कोई 70-80% तरबियत हो चुकी होती है उसके वालदैन के। आखिर वो बच्चा बाहर गलियों में खेलता भी है, स्कूल भी जाता है, अकेडमी भी जाता है, वो गाली गलोच अच्छा बुरा सब सीखता है। तो एक जो छोटा बच्चा है, मेरे ख्याल से कि अगर खाली मैं ही नहीं, कोई भी इस एज के बच्चे की कोई अच्छी तरबियत करेगा ना, तो मुझे नहीं लगता कि वो बच्चा बड़ा होकर कोई गलत काम करेगा। ठीक है खून जोश मारता है, लेकिन तरबियत जो अच्छी तरबियत की होती है ना, वो एक बहुत
अच्छा सबक होता है और बच्चा भूलता नहीं है। आप क्या समझते हैं कि जो बच्चे हैं पैदा होने से पहले उसकी वालदा और उसके वालद ने उन पे भी जुल्म किया? सर देखें, ये तो सारी दुनिया को पता है कि उनको पता नहीं था कि इधर तू बाप बनने वाला है, तू माँ बनने वाली है, हमारे घर खुशियों के टाइम है और आप लोग क्या गुल खिला रही हो, और वो भी मेरे नाक के नीचे। और उस वक्त होता था जब इनको पता होता था कि अब घर में ना नुमान है ना शाही साहब है, वालदा मेरे को नींद की गोलियां दी होती थी कि वो ना, एक कहावत है कि 100 दिन चोर का, 1 दिन साहब का। अब वो एक बुजुर्ग हैं, मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, वो एसपी साहब के पास भी जब हम पेश हुए ना, तो वहां पर भी ना एक तो बात हो रही है मेरी वालदा के मर्डर की, मैं रो रहा हूं और वो मुस्कुरा रहे हैं। तो एसपी साहब ने उनको बकायदा बोला, डांटा कि आपने ना, बड़े प्यार से बोला उन्होंने कि आपने अब हंसना नहीं है। अच्छा, आप चाहते हैं कि दोनों बच्चे आपके पास रहें और आप उनकी परवरिश करें? बिल्कुल मैं करूंगा, मैं बिल्कुल भी ये चीज दिल में नहीं सोचूंगा कि मुझ पे बर्डन आ गया है, मुझ पे ये हो गया है। हो सकता अल्लाह ताला मुझे उनके नसीबों का दे दे। तो आप उन बच्चों को तो नहीं सजा देंगे उनके वालदैन की, जो सर उनके वालदैन ने किया? मैं कौन होता हूँ, मुझे कोई अल्लाह ताला ने सर्टिफिकेट दिया कि मैं इसको सजा दे दूं? कातिल को सजा देना कानून का काम है, वो एक छोटा सा बच्चा मासूम जान है जिसको दुनिया में आते ही उस पर एक दब्बा लग गया है कि तेरे बाप ने ये कत्ल किया है, और उस बच्ची पर दब्बा लग गया कि उसकी माँ ने उसकी अपनी सास का कत्ल कर दिया है। आपकी सिस्टर ही ना, उसने कहा कि अभी मेरा बच्चा दुनिया में नहीं आया तो मुझे ताने मिल रहे हैं कि कातिल का बच्चा, कातिल का बच्चा। पैदा सर होने के बाद भी लोगों ने ताने दिए सर सुनने में बहुत आए। सारे लोगों ने दिया, सोशल मीडिया पे आए हैं सर। बात है कि मैं उसे एक चीज समझा रहा हूं कि बच्चे ये जब तक जिंदगी है ना, ये बर्दाश्त करना पड़ना है। आप कहो ना कि इस चीज को, इस पॉइंट को आप डिलीट कर दो, तो ये डिलीट नहीं होना, इन तीनों को सजाएं मिल जाएंगी, ये फांसी लग जाए, ये उम्र कैद हो जाए, ये कानून का मामला है। लेकिन जो जख्म इन लोगों ने हमें दे दिया ना, वो कभी हमारा कम नहीं होगा, जब तक जिंदा है वो हमारे साथ रहेगा। अब जो बेटा है, बच्चा है, बच्ची आप लेना चाहते हैं, उसका नाम अभी रखा है नहीं रखा, आपके इलम में नहीं है, तो जो बेटा है वो आप उनको देना चाहते हैं? जी मैं देना चाहता हूँ, उसकी वजह एक और भी है आसिफ भाई। देखें, मेरी सिस्टर की बहुत कम एज है और कम हाफ़िज़ कुरान भी है माशाल्लाह, और कम एज ही में भी हमने उसकी शादी कर दी। जारी बात है, सिस्टम है। हमारा माशरा इस चीज़ से आप भी इतफाक करेंगे कि अगर वो बच्चे वाली खतून है ना, तो आगे से कल को हम उसकी शादी करते हैं तो उसको बच्चे वाला ही मिलेगा। बिल्कुल ठीक। तो जिंदगी जब इंसान की ना जब गुजरने लगती है ना, तो उसमें बहुत से क्राइसिस पैदा होते हैं, तो छोटी छोटी बात पे ना वो इतने बड़े ना आग लग जाती है। हाँ दुनिया का दस्तूर ऐसा है कि तो उसके हाँ मुताबिक फिर चलना पड़ता है। जी, चलना तो जब पड़ता है। आपने उनको कहा कि आपका बच्चा है, आप लेना चाहें ले जा सकते हैं, कोई बात इस तरह की हुई? भाई हमने उनको फोन किया, इनके जो उस्मान के वालिद हैं, हमने उनको फोन किया था, उनको कहा कि यार ये जो आप लिख पढ़ कह रहे हैं ना, ये हम बाद में भी कर लेंगे, इंसानियत के नाते आप ना इस बच्चे को ले जाओ प्लीज यार। ठीक है, बात है कि माँ की और बच्चे की ना दिन ब दिन अटैचमेंट बढ़ रही है, ये बच्चा चल जाएगा मेरे घर में, जो तूफान आना ना बाद में, वो हमें पता है कि हमने किन के उस तूफान को किस तरह समेटना, तो लिख पर तो हम बाद में कर लेंगे, आप ना यार इस बच्चे को ले जाओ यार। तो फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने आगे से कहा, सोच कर जे नहीं जी, हम ना लिख पर करके ही लेंगे, ठीक कि है, जो कानूनी तरीका हम उससे ही लेंगे, उन्होंने कहा है कि हम बच्चा लेंगे, उन्होंने कहा हम लेंगे और लिख पढ़ कर लेंगे। लिखत पढ़त क्या करना है? सर ये स्टाम्प वगैरह करवाएंगे और उन लोगों ने क्या तो वो कब करना, होंगे, मतलब कब उन्होंने कहा है कि कब तक हम लेंगे? उम्मीद जैसे है आपने कहा कि माँ के साथ अटैचमेंट है और हम नहीं चाहते कि मजीद अटैचमेंट ज्यादा बढ़ती जाए। सर, उम्मीद तो है कि ये 5-6 दिन तक हो उन्होंने जाएगा। इत्तफाक कर लिया कि हम अपना बच्चा हाँ लेंगे और जी पालेंगे। वो राजी है, वो आपको लगता है कि वो अपना बच्चा सही से पाल लेंगे? सर इस चीज का मैं नहीं कह उनके सकता। उनको देखने से, आपको उनके सलूक से, उनके मिलने मिलाने से, उनके इजहार से, उनकी मतलब है एक सोच से आपको क्या लगा? सर मैं आपको बताता हूँ, अब मेरा बहनोई उस्मान है ना, तो कहा जाता है जी ये खानदान में ना सबसे लाडला था, तो जाहिर बात है उसके बच्चे की परवरिश भी तो इनके वालदेन ने की है, और उसी बच्चे ने बड़ा होकर क्या काम किया सारी दुनिया को पता है।
अगर आप परवरिश की बात करें तो मैं इस पर, मैंने ये कहा है कि वो इस पे एग्री हैं कि वो इस बच्चे को पालेंगे संभालेंगे और अपना हाँ बच्चा जी वो मानते हैं। हाँ जी, वो मानते हैं,